गॉडलाइक परफॉर्मेंस वो है पंक, तो उसके लिए कुछ दो शब्द बोलूंगा, नकुली ब्यूटी। और ये ट्रॉफी मोटल भाई के नाम। लिसन, ये ट्रॉफी इनकी है। लॉबी में खड़े होकर बात कर रहे थे एंड वो तीनों मेरे को बोलते हैं कि मोटल भाई अगले दो में से एक ट्रॉफी तो गारंटीड है आपके लिए। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ देम। आज का प्ले ऑफ द टूर्नामेंट क्या था? ऑनेस्टली बोलना, आज का प्ले ऑफ द टूर्नामेंट आज के दिन का क्या था? आई फेल्ट मीरामार नकुल, उफ नकुली ब्यूटी, क्या खेला भाई नकुल ने। ओहो हो, मतलब सूदिंग सूदिंग गेम प्ले, सूदिंग। सो भाई बैटमैन नकुल भाई, भाई मजा, मतलब हर टीम का एक बैकबोन होता है ना। आई पर्सनली फील टीम सोल का बैकबोन नकुल वो वाइब देता है। ओहो हो, एक ही ओपेंडेड एनी टाइम भाई लॉन्डे को उतना आई डोंट थिंक इतना अप्रिशिएशन मिलता है, एक ही ओपी को इतना अप्रिशिएशन नहीं मिलता है। आज के लोग एमवीपी सो कॉल्ड एमवीपी बोलते रहते हैं, बट यार ब्रो वन ऑफ द फाइनेस्ट असॉल्टर्स है भाई एक ही ओपी। उस लॉन्डो को यार उतना अप्रिशिएशन नहीं मिलता है तो बाकी लोगों को मिलता है, नो डाउट। निंजा अगर मैं अपने लॉन्डो में कंपेयर करूँ, आई थिंक देखो यार मैं ऑब्वियसली अपने लॉन्डो को किसी कम नहीं मानूंगा, मैं निंजा को जो लोग बोलते हैं ना भाई निंजा एमवीपी, ये आई पर्सनल फील एके भी उस लेवल का प्लेयर यार। इंडिया में बहुत सारे उस टाइप के फ्लैगर्स है, एमवीपी होते हैं फ्लैगर्स, तो भाई एके ओपी भाई। अरे वो देखो मेरे को नहीं पता कि आप वो ऑन कैमरा कैसा है, रियल लाइफ में अलग कैरेक्टर है। मैं को पर्सनल ले सकता हूँ, सौम्र जो कैमरा में दिखाता है एक कैरेक्टर प्ले करता है वो एकदम ईगो एटीट्यूड वाला, बट रियल लाइफ में बहुत सिंपल साधा लौंडा है भाई। तो मेरे को मतलब पहले से लगता था कि भाई बंदे बहुत ईगो एंड ऑल है, मिलने के बाद लगता है यार वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, रियल लाइफ में अलग लौंडा है। तो यार कुछ पर्सनल गर्ज नहीं यार, चिल मारो, सही लौंडा वो भी, बीच में भटक जाता है बट ठीक है। बाकी सीजी भाई व्हाट अ गेम, हेक्टर लोग बोल रहे थे पैसिव प्लेयर है ये है वो है, भाई मजाक सेट के लौंडे ने भी प्रूव किया यार इस बार। मतलब जिन जिन चूतियों को ऐसा लगता था ना ये है वो है खराब फलाना निमाना, उन सब ने ये किया। से समथिंग अबाउट गॉडलाइक परफॉर्मेंस। देखो यार मैं गॉडलाइक के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे फैंस थोड़े से पता कैसे सरफिरे से। अब मैं दूसरा वर्ड यूज नहीं करूँगा, चूतिया वर्ड यूज नहीं करूँगा, सरफिरा बोलूँगा, क्योंकि अच्छे लोग को मैं अच्छा बोलूँगा तो उनको ईगो लग जाएगा यार इसके लिए खराब भी बोल रहे हैं। मैं वहाँ पे सिर्फ एक बंदे को पर्सनली जानता हूँ वो है पंक, तो उसके लिए कुछ दो शब्द बोलूँगा, लॉन्डे ने बहुत टाइम से प्रूव किया, आई फील उसने इस टूर्नामेंट में प्रूव किया अपना बेस्ट दिया। सो वो अपना लौंडा है, उसको वैसा वाला वाइब है, वो हो गया फियर्स हो गया। इन लोगों के साथ में लॉकडाउन से हम लोग साथ में पीसी गेम्स खेलते हुए आ रहे थे तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ, बाकी मेरे को कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ कुछ संबंध रख के कुछ भी बकचोदी करने का। आप लोग अच्छा खेल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वेल एंड गुड, होपफुली आप आगे भी ऐसे खेलते रहो बस। तुम नॉक हुए, वाज दैट द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस मैच एंड द ट्रॉफी फॉर यू? लाइक बहुत लोग डाउट कर रहे थे हमें कि लाइनअप चेंज हुई है और लाइक लीग स्टेज की परफॉर्मेंस पर हमें डाउट किया जा रहा था, और फिर प्लेऑफ्स आया, पहला दिन अच्छा खेला, सेकंड दिन सब डाउट की, कुछ अपने लोगों ने भी डाउट किया, बट एट द एंड रिजल्ट सबके सामने। इट्स योर मोमेंट ब्रो, मोमेंट। नकुल मेरा सवाल है, एवरीबॉडी फिक्सेस ओशन रावर एवरीवन ये कह रहे नकुल बैट्समैन है, उस पर क्या कहना है? ये ले माइक और भय तू भी। जो हमारे सोल के सपोर्टर्स हैं मुझे बैटमैन इसलिए बुलाते हैं क्योंकि मैं कई बार टीम को सेव कर लेता हूं क्रूशियल सिचुएशन पे, बस वही है। और हमने लास्ट इवेंट में मोटल भाई से एक वादा किया था कि उनको एक ट्रॉफी दिलाएंगे, और ये ट्रॉफी मोटल भाई के नाम। कुछ पॉइंट से वो चूके, देयर यू गो, दे प्लेड लाइक अ टीम, अ लॉट ऑफ चेंजेस, बट इन द एंड It is success that Aiku Seoul have tasted. IGL change हुए, शुरुआत में performance शायद उस लिहाज की नहीं थी।